हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डन टिप्स। और देखिए, ये मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा, हर प्लांट में मेरे ये अंग्रेजी घास बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हो गई थी, जिससे मेरे प्लांट आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज मैंने इन्हें निकाल दिया है, क्योंकि मैं 3-4 दिन के लिए बाहर चली गई थी, तो मेरी छत का हाल बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। इस वजह से मेरे प्लांट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। किसी किसी प्लांटर में पानी भी रुक गया है, जिसे मुझे निकालना है। उसी के साथ मैंने ये इतनी ढेर सारी घास भी निकाल दी है, क्योंकि ये फ्लावरिंग अच्छे से नहीं कर रही थी। कुछ इसमें फ्लावरिंग होके सूख भी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें अलग कर दूँ। अभी भी मेरे गमलों में बहुत ढेर सारी घास लगी हुई है। जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म होगा, मैं सारी गमलों की सफाई कर दूँगी। और मेरे आसपास अगर कोई रहता है तो वो मुझसे इसकी कटिंग ले सकता है। देख सकते हैं मेरी छत की हालत क्या हुई है। 3-4 दिन में ही मेरे पूरी छत का हाल बहुत बुरा हुआ है, और प्लांट में भी पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, किसी किसी में जिसमें ड्रेनेज होल बंद हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये है रेन लिली। अगर आप लोगों ने अभी ये प्लांट अपने गार्डन में नहीं लगाया है, तो इसका प्लांट ज़रूर लगाइए। 1-2 बल्ब लेकर आएंगे और बहुत सारे इसके बल्ब तैयार हो जाएंगे। इसे आप मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। ये तेज़ धूप के कारण देखिए इसके टिप्स मेरे ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं, जिन्हें मैं तोड़ के निकाल दूँगी। ये मेरी 3 तरह की लिली है। ये है पिंक और वाइट एंड येलो। तो जिसमें अभी वाइट और येलो में फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन पिंक वाली मेरी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और ये बहुत अच्छे से फूल खिला इसमें प्रोड्यूस होते रहते हैं। और इसके बल्ब को आप 1-2 लाएंगे, इनसे ढेर सारे बल्ब आपके तैयार हो जाएंगे। और ये बरसात में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अभी आप अपने गार्डन में बरसात का समय है, तो इस समय इस रेन लिली को आप बहुत अच्छे से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और ये फ्लावरिंग भी बहुत ढेर सारी करेगा। आपको कहीं से अगर मिल जाता है, आपके आस पड़ोस या किसी रिश्तेदार के यहाँ से, तो वहाँ से भी आप ये बल्ब ला के लगा सकते हैं। क्योंकि पीला वाला मैंने तीनों लिली परचेज़ नहीं किए हैं, मैंने तीनों ही ये कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए हैं, और 1-1, 2-2 बल्ब लेके आई थी। मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। मैंने इस वाइट वाली लिली को तो बहुत ज़्यादा शेयर किया है, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है, कई जगह पे मैंने इसे लगाया है, और मेरी सारी लिली बहुत अच्छे से चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये पूरे साल चलने वाला प्लांट है। बस इसमें फ्लावरिंग आपको सिर्फ बरसात में ही देखने को मिलेगी, और बाकी आपके पास ये परमानेंट प्लांट रहने वाला है। और जब इसके टिप्स ब्राउन हो जाएं, तो उन्हें कट करके निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे मेरे प्लांट कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो बस यही छोटा सा मेरा एक टॉपिक था रेन लिली के बारे में। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको बरसात का पानी मिल जाए, ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। तो इस प्लांट को अगर आपने नहीं ऐड किया अपने गार्डन में, तो ज़रूर ऐड करिएगा। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसमें जो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। देखिए मेरे कितने अलग अलग साइज़ के पॉट में लगा है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखिए, मैंने एक मेरी मिट्टी की हांडी हुई पड़ी हुई थी, मैंने उसमें भी वाइट लिली का कुछ 2-4 बल्ब लगा दिए थे, और ये भी पूरा भर गया है। बस मुझे इनकी अब सफाई करनी है, क्योंकि 3-4 दिन मैं बिल्कुल भी अपने प्लांट पे ध्यान नहीं दे पाई, बाहर चली गई थी इस वजह से, जो कि मुझे अब ये सारे काम करने हैं। क्योंकि बरसात में बहुत हम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना रहता है। अगर नहीं करते हैं, तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है, जिससे हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, बल्ब ख़राब हो जाएंगे। तो अभी छोटे छोटे से ऐसे काम हैं जो आप लोगों को निपटा लेने हैं अपने गार्डन में। और बरसात का पानी जो है बहुत अच्छा हमारे पेड़ों के लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स, बस यही मेरा एक छोटा सा टॉपिक था। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो बस यही छोटे 2-4 टिप्स थे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसमें सप्ताह में 1 बार ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। बस उसी को सप्ताह 10 दिन में 1 बार दे देंगे, वो भी बहुत अच्छे से काम करता रहता है। और ये बारिश का पानी भी स्टोर करके आप अपने प्लांट
को दे सकते हैं 15-20 दिन में एक बार दो बार दे सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं बरसात में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेती हूँ, बारिश का पानी, और मैं अपने रेन लिली को यही देती हूँ। ये बहुत अच्छे से काम करता है। मेरी पिंक रेन लिली तो मतलब खिलती ही रहती है, 2-4 महीने में खिल जाते हैं इसके फ्लावर्स। परमानेंट तो नहीं खिलते हैं, लेकिन पिंक वाली मेरी खिलती रहती है। वाइट और येलो वाला का ऐसा है कि ये बस सीजन पे ही खिलती है। तो प्लीज़ मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए